तुझको पाने में मसला ये है, तुझको पाने में मसला ये है, तुझको खोने के वसवसे होंगे और तुझे छूने के बाद क्या होगा, देर तक हाथ कांपते होंगे। तहजीब हाफिज साहब के इस शेर के साथ मैं ललित स्वागत करता हूं आपका लीगल क्लिनिक बाय ललित में, एक ऐसा चैनल जिसमें हम लॉ से जुड़े हुए विषयों के बारे में बात करते हैं। और आज का विषय चाइल्ड अडॉप्शन, जी हाँ, दत्तक ग्रहण, और आम बोलचाल की भाषा में जिसे बच्चा गोद लेना कहा जाता है। आज इस विषय के बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, एक व्यूअर हैं हमारे चंद्रकांत जी, जिन्होंने ईमेल लिख के हमसे ये पूछा है, और वो ये कहते हैं कि मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ, मुंबई में अपने परिवार के साथ रहता हूँ, मेरी पत्नी का निधन हो चुका है, मैं 40 साल का हूँ और अपने माता पिता के साथ रहता हूँ, कृपया मुझे बताएं कि मैं चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता हूँ क्या। तो चंद्रकांत जी और बाकी व्यूअर्स जो चाइल्ड अडॉप्शन को लेके जानना चाहते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि चाइल्ड अडॉप्शन को लेके इंडिया में क्या प्रक्रिया है। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं करूँगा आपसे गुजारिश, यदि वीडियो आप देखते हैं, वीडियो आपको पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ये जानकारी दूसरों तक भी पहुँचे। दोस्तों, जब आप चाइल्ड अडॉप्शन की बात करते हैं तो कुछ एक सवाल हमारे जहन में आते हैं, जैसे भारत में बच्चा गोद लेने को आखिर मान्यता देता कौन है, कौन कौन बच्चा गोद ले सकता है, बच्चा गोद लेने की शर्तें क्या क्या होती हैं, कौन सा बच्चा गोद लिया जा सकता है, बच्चा गोद लेना यानी जिसको दत्तक ग्रहण करा जाता है इसकी सही प्रक्रिया क्या है, गोद लेने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, और क्या भावी माता पिता किसी स्पेशल बच्चे के लिए डिमांड कर सकते हैं क्या। आज इन्हीं सवालों के डिटेल में जवाब देते हैं। पहला सवाल, बच्चा अडॉप्ट करने की प्रक्रिया को अप्रूवल कौन देता है। तो दोस्तों, भारत में एक संस्था है जिसे सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कहा जाता है, जी हाँ, शॉर्ट में कारा कहा जाता है। इसकी वेबसाइट है www.cara.nic.in। ये बेसिकली नेशनल लेवल पे यानी पूरे इंडिया के लेवल पे चाइल्ड अडॉप्शंस को लेके रेगुलेशंस बनाती है और उसको कंट्रोल करती है। और ये किसके अंदर आती है, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के अंदर। तो दोस्तों, ये काम कैसे करती है, एक्चुअली सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी के नीचे हर स्टेट में कुछ रिसोर्स अथॉरिटी होती हैं जिसे सारा कहा जाता है, यानी इंडिया में कारा और हर स्टेट में स्टेट लेवल पे सारा। तो ये सारा बेसिकली कुछ एजेंसीज को अप्रूवल देती है जो कि आगे की गोद लेने की, बच्चा अडॉप्ट करने की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। अगला सवाल, बच्चा गोद ले कौन कौन सकता है। भारत में भारत का कोई भी नागरिक या बाहर का भी कोई नागरिक भारत का बच्चा गोद ले सकता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिए, प्रेफरेंस इंडियन सिटीजन को दी जाती है, क्योंकि इंडियन कंडीशंस में बच्चे का पला बढ़ना उसके सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के साथ होता है, इसलिए इंडियन सिटीजन्स को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो भी चाइल्ड अडॉप्शन से रिलेटेड प्रक्रिया होती है, गाइडेंस सिस्टम होता है, ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से मेंटेन किया जाता है। तीसरा सवाल, चाइल्ड अडॉप्ट करने को लेके आखिर शर्तें क्या क्या होती हैं। तो अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी के साथ रहते हैं और आपकी पत्नी और आप दोनों मिलकर बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो आप दोनों को फिजिकली और मेंटली और इमोशनली स्टेबल होना पड़ेगा। आपको ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप जिस बच्चे को अडॉप्ट कर रहे हैं उसके लिए आपके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, यानी आप उस बच्चे का पालन पोषण ढंग से कर सकते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, यदि आपको कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है, यानी आपको कोई ऐसी बीमारी है जिससे आपकी मृत्यु हो सकती है, तो आपको बच्चा गोद नहीं दिया जाएगा। या फिर कोई ऐसे माता पिता जिनका पहले से ही कोई बायोलॉजिकल सन या डॉटर हो, वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, वो दोनों अपने कंसेंट से, जी हाँ, हस्बैंड और वाइफ दोनों का कंसेंट होना चाहिए, वो बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं।
एक सिंगल फीमेल किसी भी जेंडर के बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, यानी एक सिंगल फीमेल मेल और गर्ल दोनों चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है। वहीं एक कंडीशन है कि अगर आप सिंगल मेल हैं तो आप गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें दूसरी चीज़ एक और भी देखी जाती है, यदि मैरिड कपल किसी बच्चे के लिए रजिस्ट्रेशन करता है तो उन दोनों का मैरिटियल रिलेशनशिप 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए, यानी उनकी शादी में कोई कानूनी बाधा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए वो है एज की एलिजिबिलिटी। वो एक्चुअली क्या होती है, यदि आप 4 साल तक के बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं और आप एक कपल के तौर पर यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों जाते हैं अडॉप्ट करने के लिए, तो आपकी दोनों की उम्र का टोटल 90 साल तक होना चाहिए। वहीं यदि आप सिंगल मेल या फीमेल हैं और अडॉप्ट करने जाते हैं तो 4 साल के बच्चे तक को आप तब अडॉप्ट कर सकते हैं जब आपकी एज 45 या उससे कम हो। वहीं यदि आप 4 से 8 साल तक के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आपकी और आपकी वाइफ के एज का टोटल 100 ईयर्स तक हो सकता है। और यदि कोई मेल या फीमेल सिंगल रूप से कोई बच्चा अडॉप्ट करता है तो उनका 50 ईयर्स हो सकता है। वहीं यदि आप 8 या 18 साल तक के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आपके हस्बैंड और वाइफ के एज का टोटल 110 साल होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। वहीं यदि आप सिंगल हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं और आप 8 से 18 साल तक के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आपका एज 55 ईयर्स या उससे कम होना चाहिए। इसका सिर्फ एक ही लॉजिक है, ये इंश्योर करता है कि बच्चा जब तक अपने पैरों पे खड़ा होता है तब तक आप जीवित रहें और उसका पालन पोषण कर पाएँ और उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे पाएँ। आइए अब जानते हैं कि कौन सा बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि आपको कोई बच्चा पसंद आ गया और आपने अडॉप्ट कर लिया। या तो वो बच्चा ऑर्फन हो यानी अनाथ हो, अबंडेंड हो यानी किसी ने छोड़ दिया हो, या वो सरेंडर्ड चाइल्ड हो यानी माता पिता किसी कारण से सक्षम नहीं है अपने बच्चे पालने के लिए और वो उस बच्चे को सरेंडर्ड कर देते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के आगे, तो उस बच्चे को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। वहीं कुछ एक कंडीशन में आप रिलेटिव का बच्चा भी अडॉप्ट कर सकते हैं, इसके लिए भी प्रावधान दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट, दत्तक ग्रहण यानी गोद लेने की सही प्रक्रिया क्या है। तो गोद लेने के लिए सबसे पहले कराना होता है आपको रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन आप किसी भी अप्रूव्ड एजेंसी में जाके करा सकते हैं। आप कारा की वेबसाइट पे जाइए, आप डिटेल चेक करिए कि नियरेस्ट एजेंसी कहाँ है आपके होम टाउन में या आपके शहर में, आप वहाँ जाइए और रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके घर पर एक होम स्टडी करी जाती है, आपको समझा जाता है कि आपको बच्चा क्यों चाहिए, आपके घर के बारे में ये जाना जाता है कि आप बच्चा पालने में सक्षम हैं या नहीं हैं, और काउंसलिंग के जरिए ये भी समझा जाता है कि आप बच्चे को एक्चुअली में अडॉप्ट क्यों करना चाहते हैं। और जब ये सब कुछ हो जाता है तो कोर्ट में एक रिपोर्ट सबमिट की जाती है जिसमें आपकी प्रेफरेंसेस यानी आपको किस जेंडर का बच्चा चाहिए, किस एज ग्रुप का बच्चा चाहिए, उसका स्किन कलर क्या होना चाहिए, या फिर आपकी अगर प्रेफरेंस है कि बच्चा उस रिलीजन का होना चाहिए जिस रिलीजन का आपको चाहिए, तो ऐसी रिपोर्ट बनाकर एजेंसी कोर्ट में सबमिट करती है। अब जब ऐसा कोई बच्चा आता है एजेंसी की नज़र में तो उस चाइल्ड को रेफर किया जाता है। आप उस बच्चे से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपको बच्चा अच्छा लगता है, आप बच्चे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप अपने एडवोकेट के माध्यम से कोर्ट में पिटीशन फाइल करते हैं उस बच्चे के एडॉप्शन से लेके। जब आप पिटीशन फाइल करते हैं तो अगली प्रक्रिया आती है प्री एडॉप्शन फोस्टर केयर। इसमें क्या किया जाता है कि आपको बच्चे के साथ टाइम व्यतीत करने के लिए कुछ समय दिया जाता है ताकि बच्चा आपको समझ सके, आप बच्चे को समझ सके, और इसके अंदर आप उस लोगों से मिल सकते हैं जिनके साथ वो बच्चा अब तक रह रहा था। इससे आपको ये पता लग पाता है कि उस बच्चे की एक्चुअली में नीड्स क्या क्या हैं या कोई स्पेशल केयर की ज़रूरत है क्या नहीं। उसके बाद जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कोर्ट में हेयरिंग होती है। जज आपको एक बंद कमरे में बुलाता है, आपसे डिटेल जानते हैं कि आप बच्चे को आखिर क्यों अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो हेयरिंग में
जज आपसे ये भी बोल सकता है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रूव करिए और उस बच्चे के नाम से कोई FD या कोई बैंक अकाउंट खुलवा कर उसमें पैसा डलवा दीजिए। जब कोर्ट संतुष्ट हो जाता है कि हाँ आपको रियलिटी में एक बच्चे के एडॉप्शन की रिक्वायरमेंट है और आप उसका ढंग से टेक केयर कर सकते हैं, तो कोर्ट ऑर्डर पास करता है, आपको बच्चा दे दिया जाता है, बच्चा आपका हो जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया यहीं ख़त्म नहीं होती। जिस एजेंसी ने आपको बेसिकली बच्चा अडॉप्ट करवाया है वो कंटिन्यूस फॉलोअप भी रखती है। ये फॉलोअप 2-3 साल या उससे ज़्यादा भी किया जा सकता है। इसके अंदर बेसिकली ये देखा जाता है कि आप बच्चे के साथ ढंग से पेश आ रहे हैं या नहीं, या कोई चाइल्ड अब्यूज़ तो नहीं है, या बच्चे को एक्सप्लॉयट तो नहीं किया जा रहा है, और तब ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। आइए जानते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, यानी कौन कौन से दस्तावेज चाहिए जब आप कोई बच्चा अडॉप्ट करते हैं। यदि आपकी कोई फैमिली है, यानी आप सिंगल ना होकर आप मैरिड हैं, आपका पहले से भी कोई बच्चा है, आपके माता पिता हैं, तो एक कंप्लीट फैमिली फ़ोटोग्राफ आपको सबमिट कराना पड़ता है चाइल्ड अडॉप्शन के लिए। उसके बाद माता पिता को अपना पैन कार्ड सबमिट कराना पड़ता है, बर्थ सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ का अन्य कोई प्रूफ, आपका रेजिडेंस का प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, कुछ भी सबमिट करा सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी इनकम का प्रूफ, जिसमें फॉर्म 16 या इनकम टैक्स रिटर्न अगर आप भरते हैं, वो सबमिट करानी होती है ताकि ये देखा जा सके कि आप बच्चे को पालने में सक्षम हैं या नहीं। उसके बाद आपको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, और पेरेंट्स के केस में यानी हस्बैंड और वाइफ के केस में दोनों का मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट होता है, जिससे ये प्रूव हो सके कि आपको कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है, का मैरिज सर्टिफिकेट। और यदि आपका डिवोर्स हुआ है या आपके स्पाउस की डेथ हो गई है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराना पड़ता है। इसके अलावा आपको एडॉप्शन प्रक्रिया के लिए 2 रिलेटिव्स का रेफरेंस भी चाहिए होता है, जो ये प्रूव करे कि हाँ आपको रियलिटी में बच्चा चाहिए और आप उसका ढंग से टेक केयर कर सकते हैं। और यदि आपका पहले से ही कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 साल या 5 साल से ज़्यादा है, तब आपको उस बच्चे का कंसेंट भी लेना होता है। आइए जानते हैं कि क्या भावी माता पिता कोई स्पेशल बच्चा डिमांड कर सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं। आप अपनी प्रेफरेंस ज़रूर दे सकते हैं, यानी आपको किस जेंडर का बच्चा चाहिए, उस बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए, स्किन कलर क्या होना चाहिए, या उस बच्चे का रिलीजन अगर पता है तो किस रिलीजन का बच्चा आपको अडॉप्ट करना है, ये आप लिख के दे सकते हैं। लेकिन आपकी डिमांड के मुताबिक बच्चा दिया जाएगा, ऐसी एक्सपेक्टेशंस आप बिल्कुल नहीं रख सकते। तो दोस्तों, ये थी अडॉप्शन से रिलेटेड कंप्लीट डिटेल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा, समझ आया होगा। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। और यदि आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो गैजेट ऑफ इंडिया में जो डिक्लेरेशन कारा की आई थी, जो रेगुलेशंस आए थे, उसका लिंक भी मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये टॉपिक्स पसंद आ रहे होंगे, समझ आ रहे होंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।